करम का लिखा होता सही वो लिखने वाला झूठा नहीं। करम का लिखा होता सही वो लिखने वाला झूठा नहीं। 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 नमस्कार, जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञता पूर्वक वंदन करता हूँ। सनातन संस्था एवं हिंदू जनजागृति समिति की ओर से धर्म संवाद के इस विशेष कार्यक्रम में मैं कार्तिक सालुंके आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बंधुओं, पिछले कुछ दिनों से हम इस धर्म संवाद के कार्यक्रम के माध्यम से कर्मफल सिद्धांत ये हम समझ कर ले रहे हैं। कर्म क्या होता है, अच्छे कर्म से हमें कौन से फल मिलते हैं, क्या परनिंदा करने से हमें उसका पाप लगता है, ऐसे अलग अलग प्रश्न हमने समझ कर लिए। आज भी हम कर्मफल सिद्धांत इस विषय को हम आगे लेकर जाने वाले हैं और कर्म के विषय में अधिक जानकारी हम प्राप्त करने वाले हैं। आप सभी को पता ही होगा कर्म की गति बहुत ही गहन है, तो आज ऐसे ही जानकारी हम यहाँ पर लेने वाले हैं। हमारे साथ आज इस धर्म संवाद में हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक सदगुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी उपस्थित हैं। नमस्कार सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी। नमस्कार कार्तिक जी। तो आइए हम आज के संवाद को प्रारंभ करते हैं। मैं सर्वप्रथम पहला प्रश्न आपसे करना चाहूंगा कि कर्म बंधन से मुक्त होने में साधना किस प्रकार से लाभकारी होती है, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। सर्वप्रथम प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उनके समय में क्या कहा था, वहाँ से हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे। वैसे तो पिता के आज्ञानुसार वनवास यानी वनगमन करने वाले हमारे प्रभु श्री राम जी जब वन में गए थे तो उनके जो छोटे भाई थे भरत, वो वन में आए थे और प्रभु श्री राम जी से प्रार्थना कर रहे थे कि आप अयोध्या वापस चलिए। तो उस समय एक बड़ा गहन उपदेश प्रभु जी ने भरत जी को बताया था। वे कहते हैं, भरत, मनुष्य का जीवन पराधीन है, पराधीन अर्थात प्रारब्ध के अधीन है, और इसलिए जो जीवन में आया है उसे स्वीकारना चाहिए, ऐसे उन्होंने बताया है। अब क्रियामान कर्म से प्रारब्ध या संचित पर मात करने के हेतु ईश्वर ने एक मनुष्य को संधि दिया है, क्योंकि कर्म सिद्धांतों ने कर्म के मुख्य तीन प्रकार बताए हैं। एक है प्रारब्ध कर्म, एक है संचित कर्म और क्रियामान कर्म। क्रियामान कर्म का अर्थ होता है साधना या शास्त्र सम्मत कर्म करना या धर्म सम्मत कर्म करना, और क्रियामान करने से ही मनुष्य अपने प्रारब्ध या संचित पर मात कर सकता है। कर्म सिद्धांत के अनुसार मनुष्य को अपने उचित या अनुचित दोनों कर्मों का फल एक तो सुख या दुख के रूप में प्राप्त होता है, परंतु वो एक तो इस जन्म में प्राप्त होता है या उसको अलग अगले अनेक जन्मों में भी वो भोगना पड़ सकता है। तो समझो किसी व्यक्ति को मनुष्य जन्म मिलता है और उसके पूर्वजन्म के अनेक जन्मों के कर्म फल भोगना शेष है, तो ऐसे पिछले अनेक जन्मों के जो कर्म जिसके फल भोगना शेष है, ऐसे एकत्रित सभी कर्म फलों को संचित कर्म कहा जाता है। परंतु मनुष्य इस जन्म में इतने सारे कर्मों के भोग तो भोग नहीं पाएगा, तो इतने सारे संचित कर्मों के ढेर से वो कुछ मात्रा में जो भोग इस जन्म में भोगता है उसे प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। अब सबसे महत्व का एक जो सिद्धांत है उसमें कहा गया है कि बुद्धि कर्मानुसारिणी होती है, अर्थात मनुष्य की जो बुद्धि है वो उसके जो प्रारब्ध कर्म का फल है उसके अनुसार वो कर्म करने की प्रेरणा देती है। अब
प्रश्न उठता है कि क्या अवतारों का भी कोई प्रारब्ध होता है, या प्रभु श्री राम जी का जीवन क्या प्रारब्ध भोग भोगने के लिए हुआ था? तो अर्थात यहाँ पर ध्यान देने योग्य यही एक महत्व की बात है कि चाहे प्रभु श्री रामचंद्र जी हो या श्री कृष्ण जी हो, ऐसे जो अवतार है उनका जो कार्य है वो प्रारब्ध अनुसार नहीं होता है, अपितु उनका जो कार्य है वो उनकी भक्ति करने वाले जीवों का उद्धार करना यही होता है, और उनके भक्तों को कष्ट देने वाले असुरों का निर्दालन करना। इसलिए अवतारों का जीवन ये प्रारब्धवश नहीं होता है, यह हमें समझने की आवश्यकता है। अब किसी के मन में प्रश्न आता है कि पांडवों ने भी वनवास वगैरह भोगा था, तो क्या पांडवों का भी कोई प्रारब्ध था? वैसे देखे तो युधिष्ठिर तो महान धर्मज्ञानी थे, तब भी जब वो युद्ध खेल रहे थे, एक जुआ का प्रकार है वो खेल रहे थे, तो उन्होंने द्रौपदी को ही दांव पर लगा दिया था। परंतु पांडवों के या युधिष्ठिर के इस कर्मों का जो कारण था वो उनका प्रारब्ध था, ये हमें यहाँ पर समझ लेने की आवश्यकता है। कभी कभी समाज के मन में ऐसे भी प्रश्न आता है कि क्या संतों को भी प्रारब्ध भोगना पड़ता है? तो अवतार और एक संत में यह फर्क होता है कि अवतार यानी साक्षात ईश्वर, जिसके कोई कर्म शेष नहीं है, वो अवतरित यानी अवनित यानी नीचे आकर, ईश्वरीय अवस्था से नीचे आकर वो अवतारी कार्य करता है, इसलिए उनके कोई प्रारब्ध नहीं होते हैं। परंतु संत एक सामान्य मनुष्य जीव होते हैं, मनुष्य जीव अनेक योनियों से वो अपना मार्गोत्क्रमण करते करते, साधना करते करते, वे अभी ईश्वर प्राप्ति की तरफ उनका प्रवास होता है। तो ऐसे इसमें संतों को भी अपने पूर्व कर्मों के अगर कुछ पाप या पुण्य है तो वो प्रारब्ध करके भोगना पड़ता है। मगर कर्मफल न्याय का जो रहस्य है कि अगर कोई अपने प्रारब्ध को निरस्त करना चाहता है, अगर कोई अपने संचित कर्मों को निरस्त करना चाहता है, तो ईश्वर ने उनके हाथ में क्रियामान कर्म करने का अधिकार दिया है। और हमने पहले ही देखा है कि क्रियामान कर्म यानी साधना, शास्त्र सम्मत कर्म करना, धर्म सम्मत कर्म करना। अब क्रियामान करने हेतु मनुष्य को सबसे ज्यादा सहायता कौन से होती है? तो उसके बुद्धि की। और एक तरह से आध्यात्मिक परिपेक्ष में जिसको हम कारण देह कहते हैं, वो कारण देह या बुद्धि की सहायता क्रियामान करने हेतु होती है। अब उसके वैशिष्ट क्या है? तो बुद्धि जो है वो प्रारब्ध के अनुसार आचरण करेगी कि नहीं, यह उस व्यक्ति की बुद्धि की प्रगल्भता उस पर निर्भर होता है। और बुद्धि की प्रगल्भता किस बात पर निर्भर होती है? तो वो व्यक्ति का प्रकृति या वो जीव कितना सात्विक है, उसकी बुद्धि कितनी सात्विक है, इस पर बुद्धि की प्रगल्भता तय होती है। और फिर व्यक्ति की सात्विकता किस बात पर तय होती है, बुद्धि की सात्विकता किस बात पर तय होती है, तो व्यक्ति की साधना कितनी है, व्यक्ति पर गुरु कृपा कितनी है, इस पर व्यक्ति की बुद्धि सात्विक है कि नहीं, यह तय होता है। अब प्रारब्ध का भोग भोगते समय व्यक्ति को अपने जो पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, इस जन्म के नए निर्माण हुए जो संस्कार होते हैं, उसके कारण उसे सुख या दुख का अनुभव होता है। परंतु साधना करने के कारण यदि उसके संस्कार ही नष्ट हो जाए तो व्यक्ति को सुख और दुख के प्रसंग में तो है, मगर उसका अनुभव नहीं हो रहा है, या एक तरह से उस पर परिणाम नहीं हो रहा है। यानी अगर किसी के जीवन में अगर प्रारब्ध भोग है तो देह भोग प्रारब्ध भोग उसे भोगना ही पड़ता है, परंतु साधना के कारण संस्कार नष्ट होने के कारण उसे इस प्रारब्ध भोग के, चाहे सुख या दुख हो, उसका परिणाम ही नहीं हो रहा है, तो वो एक तरह से उन कर्मफलों से मुक्त ही हो जाता है। और साधना से यही साध्य होता है। साधना से संचित कर्म भी पूर्णतः नष्ट हो सकते हैं। और कर्म के अनुसार अगर हम देखते हैं तो चाहे प्रारब्ध हो या संचित हो, मनुष्य के लिए सबसे महत्व का कर्म कौन सा है? तो क्रियामान कर्म योग्य करना, यही निस्संशय मनुष्य के जीवन का श्रेष्ठ कर्म होता है। और इसलिए मनुष्य को कर्म प्रधान यानी क्रियामान कर्म प्रधान होना चाहिए, ऐसे धर्मशास्त्र कहता है। जी सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, अभी आपने मार्गदर्शन में आपके बताया कि अवतारों को प्रारब्ध नहीं होता है,
तो मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के बारे में प्रश्न आपके सामने रखना चाहूंगा। प्रभु श्री राम जी साक्षात अवतार थे, पर फिर भी उन्हें वनवास जाना पड़ा था, तो क्या अवतारों को भी कर्मफल न्याय या कर्मफल लागू होता है, इसके बारे में आप हमें बताएं। शास्त्रों ने ऐसा बताया है कि अवतारों का संचित कर्म होता है वो 0% होता है, और संचित ही नहीं तो प्रारब्ध होने की कोई संभावना ही नहीं होती है। अब प्रश्न यहाँ नहीं उपस्थित होता है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने 14 वर्ष जो वनवास भोगा वो उसे क्यों भोगना पड़ा। अब सबसे महत्व का जो सूत्र हमें यह ध्यान में रखना है कि अवतारों के संदर्भ में जो कुछ हो रहा है या उनके जीवन में जो कुछ होता है वह सब अवतार लीला होती है। अवतारों की जो लीला है या उनका लीला रूपी ये जो कर्म है वो पूर्णतः अकर्म कर्म ही होता है, उसका कोई फल ही निर्माण नहीं होता है, इसलिए अवतारों को कर्म फल न्याय लागू ही नहीं होता है। यह हमें तत्वतः समझने की आवश्यकता है। अवतारों का कार्य भक्तों का रक्षण तथा भक्तों या समाज को कष्ट देने वाले दुर्जनों का विनाश यही होता है, ऐसे भगवद गीता में सुस्पष्ट हमें बताया है। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी को वनवास भोगना पड़ा, यह हम सामान्य व्यक्ति की दृष्टि से एक अत्यंत सामान्य विचार हुआ है, परंतु अवतारी दृष्टि से या अवतारों की लीला के कर्मों के रूप से अगर हम उसका विश्लेषण करते हैं तो इस वनवास काल में श्री राम जी ने क्या क्या कार्य किया है, इन कार्यों के माध्यम से उन्होंने क्या क्या मानव कल्याण किया है, अपने कौन से भक्तों का उद्धार किया है, यह अगर हम समझ लेते हैं तो ये वनवास प्रत्यक्ष कोई शिक्षा या भोग नहीं तो उनकी लीला है, यह हमें सुस्पष्ट हो जाएगा। सबसे पहले क्या हुआ, श्री राम जी ने वनवास काल में दंडकारण्य में जब प्रवेश किया तो वहाँ पर जो ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे, जो ऋषि मुनि ईश्वर प्राप्ति की मनीषा रखते हुए वहाँ पर यज्ञ याग और साधना कर रहे थे, तो उनमें जो विघ्न डालने वाले असुर थे उन सभी असुरों का विनाश राम जी ने करके एक अपने अवतारी कार्य का प्रयोजन पूर्ण किया था। वनवास में जैसे जैसे वो आगे गए तो माता शबरी, उनके जीवन में ईश्वर प्राप्ति का योग था तो झूठे फेर खा के अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करके उन्होंने ईश्वर भक्त के मिलन का एक उदाहरण हमारे सामने रखा। जो भक्त केवट था, जो केवट अत्यंत ज्ञानी था और जिसने यह मांग किया था कि मैं आपको शरीर के इस तीर से आपको उस तीर पहुंचाऊंगा तो आपका केवट मैं बनूंगा, तो आप मेरे जीवन की नैया को, इस बंध मुक्त जीवन को, उस मुक्त जन्म मृत्यु से मुक्त जीवन के, मेरे जीवन के उस पार मेरी नैया लगा दीजिए और उस समय आप मेरे केवट बनिए, इतना बड़ा ज्ञान पूर्ण उन्होंने प्रार्थना किया था राम जी से, चाहे हनुमान जी हो, श्री गुरु जी हो, ऐसे अनेक भक्तों का उद्धार प्रभु श्री रामचंद्र जी ने इन वनवास काल में किया है। और अंततः वनवास काल का जो अंत था, उस समय रावण से युद्ध करके इस पृथ्वी पर जो अत्याचारी राजा था, उसके अत्याचारी सेना थी, एक असुरी वृत्ति थी, उन सब का निर्दालन करके धर्म की पुनर्स्थापना का जो कार्य श्री राम जी ने किया है, और लंका के राज्य पर अपना अधिकार न जताते हुए अपने भक्त विभीषण को उस राज्य पर बिठाकर उन्होंने एक बड़े हृदय का एक आदर्श समाज के सामने जो रखा है, यह अवतारी लीला है उन्होंने उस वनवास काल में किया। यह सब लीला कार्य करते समय दूसरी तरफ अपने पिता ने जो वचन दिया था उस वचन की पूर्ति के लिए वनवास के भोग का पालन पुत्र ने करना चाहिए, ऐसे पुत्र के आदर्श, पुत्र के एक आदर्श उन्होंने समाज के सामने रखा। और अवतारों ने यह जो सब लीला कर्म किया उसमें उन्होंने पिता के आज्ञा पालन करने वाला एक आदर्श पुत्र, ऐसा एक सामाजिक आदर्श भी समाज के सामने रखा है। और स्वयं राजा होते हुए भी, अवतार होते हुए भी, प्रसंग आने पर सर्वसामान्य व्यक्ति जैसा जीवन जीना, अपने पत्नी के प्रति जो धर्म बताया है उस धर्म का पालन करना, या वनवास काल में उन्होंने अलग अलग राजाओं से जो मैत्री किया, उन्होंने अलग अलग राजाओं से अपने साम्राज्य को जोड़ा, अपने मित्र निर्माण किए,
ये सब जो एक आदर्श राजा के गुण भी उन्होंने यहाँ पर स्थापित किए हैं, वो केवल व्यक्ति नहीं, तो व्यक्ति, प्रशासन, राजा, उन सबके लिए वो एक आदर्श बन के आया, और इसलिए उन्हें एक आदर्श राम राज्य की तरह या मर्यादा पुरुषोत्तम राजा की तरह उसको पूजन किया जाता है। और इसी कारण श्री राम जी का जो अवतारी जीवन है उसका और सर्वसामान्य व्यक्ति का जो कर्मफल या प्रारब्धमय जीवन है उनकी तुलना ही करना व्यर्थ है। वो एक अलग आयाम है और ये एक अलग आयाम है, उनकी तुलना बिल्कुल नहीं की जा सकती है। और यह समझने के लिए धर्मशास्त्र, धर्म की दृष्टि, शास्त्र की दृष्टि होना आवश्यक है। तो इस तरह से हम ये बात की तरफ देखना चाहिए। ठीक सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, एक प्रश्न मन में आता है कि सभी कर्म जो हम करते हैं वो प्रारब्ध में अर्थात इसी जन्म में हमें भुगतने के लिए क्यों नहीं आते, वो संचित कर्म में क्यों रह जाते हैं, इसके बारे में आप हमें बताएं। मूलतः कार्तिक जी, हमारे जो संचित कर्म हैं और उस संचित कर्मों के सभी कर्म फल जो है वो एक साथ भोगे जाना संभव ही नहीं है, क्योंकि संचित कर्मों के फल एक जैसे नहीं होते हैं, और संचित कर्म के जो फल है वो अनेक जन्मों के कर्मों के फलों से एकत्रित होने के कारण वो संख्यात में भी अधिक है और फलों में विविधता भी अलग है। और सबसे महत्व की बात है कि कर्मों के जो फल है वो अनंत जीवों के साथ है। किसी व्यक्ति को मनुष्य देह हो, किसी को प्राणी हो, किसी को वनस्पति योनि में जन्म मिला हो, तो उस जन्म में उसका फल भोगने के लिए उस अवस्था में वो जीव पुनर्जन्म लेकर आया है कि नहीं वो भी हमें पता नहीं होता। तो इसलिए ये एक ही जन्म में भोगना असंभव होता है। अब जैसे मैंने कहा था कि कुछ कर्मों के फल परस्पर विरोधी होते हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, कुछ स्वर्ग की प्राप्ति देने वाले हैं तो कुछ नर्क की प्राप्ति देने वाले हैं, तो मनुष्य के प्रारब्ध की जो संख्या है वो संचित कर्म के तुलना में बहुत मर्यादित होती है। यानी एक ही जन्म में जो हम भोग सकते हैं, जिसके लिए संबंधित अन्य जीवों को भी कुछ ना कुछ जन्म मिला है और उसका जो आयु है उसमें वो भोगना संभव है, उतना ही प्रारब्ध लेके आता है और उर्वरित संचित कर्म जो है वैसा ही रहता है। अब शास्त्र क्या बताता है कि मनुष्य को जब जन्म मिलता है तो उसको एक तरफ प्रारब्ध भी भोगना होता है और उसको इस जन्म के कर्म भी करना पड़ता है, जिसको हम क्रियामान कर्म करते हैं। तो हमारे मनुष्य का जीवन दो भागों में बटा होता है, एक प्रारब्ध के फल भोगने के लिए, तो दूसरा है इस जन्म के हमें नया कर्म करने के लिए। और इसलिए भी एक ही साथ हमें सभी संचित कर्मों का फल भोगना संभव नहीं होता है, और इसलिए कुछ इस जन्म में, कुछ दूसरे, कुछ अन्य, ऐसे क्रमानुरूप हमको वो फल भोगना पड़ता है। अब ऐसी स्थिति है तो मनुष्य ने क्या करना चाहिए, तो इस जन्म में ही मनुष्य ने अत्यंत तीव्र साधना करनी चाहिए। तीव्र साधना के कारण कुछ संचित कर्म उसके जल जाते हैं, कुछ गुरु कृपा के कारण जल जाते हैं, साधना करने के कारण कुछ प्रारब्ध कर्म के भोग उसको सुसह्य हो जाते हैं, और इसी जन्म में अगर वो ईश्वर के आनंद अवस्था को प्राप्त कर जाता है तो इसी जन्म में वो मुक्त हो सकता है। तो इस तरह की ये संचित, प्रारब्ध और क्रियामान कर्मों के फलों की रचना ईश्वर ने की है। आपने अभी जैसे बताया तो साधना करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो यह हमें ध्यान में आया, परंतु अभी हम कुछ शब्द सुनते हैं जैसे दैव है या फिर भाग्य अथवा हम नियति हम जिसे कहते हैं, तो यह हम शब्द अलग अलग माध्यमों से हम सुनते रहते हैं, तो क्या यही प्रारब्ध है? तो प्रारब्ध क्या है, किस किसे कहते हैं, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। महर्षि वाल्मीकि उन्होंने अपने रामायण के अध्याय 22 में स्पष्टता से एक बात लिखी है, सुखे दुखे भय क्रोधो लाभा लाभो भवाभवो यस्य किंचित तथा भूतम ननु दैवस्य कर्म तत्। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि अर्थात चाहे सुख हो या दुख, भय हो या क्रोध, लाभ हो या हानि, तथा इस प्रकार के अन्य कोई भी फल हो या अन्य कोई भी फलों के परिणाम या भोग हो,
जिसे हम इस जीवन में अपने किसी तर्क के कसौटी पर हम उसका परीक्षण नहीं कर सकते हैं, तर्क के कसौटी पर किसी को कसा नहीं सकते हैं, ऐसे सभी कर्म निश्चित ही दैवकृत अथवा जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं या भाग्य के कारण आए होते हैं, उन्हें भाग्य भी कह सकते हैं, प्रारब्ध भी कह सकते हैं या दैव भी कह सकते हैं। और जब और जहां जन्म लेने के कारण हमारा जो संचित कर्म है उसमें से अधिकांश जो कर्मांश है उसके भोग भोगना हमें संभव होता है, उस समय और वहां उस संचित में से हम जो कर्म लेकर लिंगदेह जन्म लेता है उस कर्म के जो अंश है, उस कर्म की जो गठड़ी है, उसे प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। संक्षेप में प्रारब्ध यानी क्या? तो किसी विशिष्ट जन्म में हम अपने संपूर्ण संचित कर्मों से जो फलद्रुप होने वाला जो कर्म है वह लेकर आते हैं और भोगते हैं, उसे हम प्रारब्ध कर्म कहते हैं। या अन्य शब्दों में संचित कर्मों में से जिन कर्मों के सुख दुख हमें इस जन्म में भोगना सुविधाजनक होता है या भोग कर उसे नष्ट करना सुविधाजनक होता है, उसे ही प्रारब्ध कर्म कहते हैं। अब इसके बारे में हितोपदेश क्या कहता है? अपने सुभाषित में कहता है, पूर्व जन्म कृतम कर्मम तदैव मितिम कथ्यते। ये सुभाषित हमें कहता है पूर्व जन्मों में किए कर्मों के फल हमें इस जन्मों में भोगना पड़ते हैं। अब प्रारब्ध को दैव, भाग्य इत्यादि भी क्यों कहा जाता है वह भी हम समझ लेंगे। जिन कर्मों का कार्य कारण भाव समझ में नहीं आता है उन्हें ही कभी हम दैव कहते हैं, कभी हम भाग्य कहते हैं, तो कर्मयोगी उसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं। अब प्रारब्ध कर्म जब मनुष्य को अपने कर्मों का फल देने की स्थिति में आते हैं तो उस समय मनुष्य जन्म लेता है, और वो प्रारब्ध भोग भोग कर जब पूर्ण होता है तो मनुष्य का मृत्यु होता है। यानी सारासार जीवन की व्याख्या क्या है? तो प्रारब्ध भोग भोगने की शुरुआत और प्रारब्ध भोग भोग कर जब उस जन्म के पूर्ण होते हैं तो शुरुआत यानी जन्म और अंत यानी मृत्यु, यही जन्म मृत्यु और जीवन की व्याख्या यहाँ तय होती है। और जन्म लेने वाले व्यक्ति का जो जन्मजात स्वभाव होता है या जन्मते उसको जो आयु तय होती है वह उस व्यक्ति के प्रारब्ध कर्मानुसार जन्मता ही ईश्वर निश्चित करके भेजता है। तो यह सब मनुष्य का जीवन है वो एक तरह से पूर्व निश्चित ही होता है। पूर्व निश्चित होने के कारण कोई उसको भाग्य कहता है, कोई उसको दैव कहता है, मगर साधारणतः हम जिसको प्रारब्ध कहते हैं कि पूर्व कर्मों का फल भोगना ही उसका अर्थ होने के कारण उसी को ही हमें जीवन कहना एक तरह से सार्थक लगता है। जी सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, प्रारब्ध पर जीवन से जुड़ी कौन सी बातें निर्भर करती है, तो इसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। प्रारब्ध पर जीवन से कौन सी बातें जुड़ी होती है या निर्भर होती है वह निश्चित जानना हमें आवश्यक है, क्योंकि प्रारब्ध के यानी भाग्य के अधीन क्या क्या होता है वह हम जान लेंगे तो हमारे जीवन में आने वाले सुख या दुख की तरफ हमारे देखने की दृष्टि ही बदल जाएगी, और हमें योग्य क्या क्रियामान कर्म करना है वह भी हमें समझ में आएगा। अब एक जो सुभाषित है वो हम समझ लेंगे, अन्नमर्थम विवाहश्च जननम मरणम तथा कंठे बद्धा दृढ़म सूत्रम यमस्तत्र ही नीयते। अब ये सुभाषित हमें क्या बता रहा है? उसका अर्थ यही है कि हमारे जीवन में अन्न, धन, विवाह, जन्म एवं मृत्यु, इन पांच विषयों के गले में रस्सी बांधकर यमदेवता उन्हें अपने इच्छित स्थान पर ले जाते हैं। यानी ये जो पांच घटनाएं हैं, अन्न, धन, विवाह, जन्म एवं मृत्यु, ये व्यक्ति के प्राक्तन में
अर्थात प्रारब्ध में, अर्थात मनुष्य के पूर्वजन्म के कर्मों के ही अधीन होती है। अंततः बहुत से व्यक्ति को लगता है कि मैं इतना कमाता हूँ, मैंने इतना धन कमाया, मैं मेरे इतने बच्चे हैं, या मैंने ये जो मैंने किया ये जो अहंकार है वो अत्यंत व्यर्थ है। व्यक्ति का बहुत से व्यक्ति को लगता है कि मैंने प्रेम विवाह किया या मैंने उस लड़की या लड़के को पसंद किया है, मगर जन्मता जन्म मृत्यु विवाह ये सब तय होते हैं, इसलिए मैंने किया, या किसी परिवार को माता पिता को लगता है कि हमने इनका विवाह बंधन ये तय किया है, तो ये सब कर्तापन जो अहंकार है वो अत्यंत व्यर्थ है। अब व्यक्ति के जन्म का समय, व्यक्ति के प्रवृत्ति के गुण हो या व्यक्ति के त्रिगुण हो, व्यक्ति के शरीर की रचना, उसमें कुछ व्यंग हो या व्याधियां हो, या उसके जीवन में आने वाला विविध सुख या दुख हो, या उसका निवास स्थान हो, चाहे देश हो, प्रांत हो, गांव हो या परिवार हो, इत्यादि सब आपके पूर्वजन्म के कर्म यानी आपका प्रारब्ध ही निश्चित करता है, और वो जन्म के पहले ही तय हो जाता है। चाहे परीक्षा में सफलता है या विफलता है, चाहे व्यक्ति का जन्म हो या मृत्यु हो, ये सभी व्यक्ति के प्रारब्ध पर कैसे निर्भर होते हैं उसके कुछ उदाहरण हम यहाँ देखेंगे। अभी पहले उदाहरण से हम ये सीखने का प्रयास करेंगे कि व्यक्ति के पूर्वजन्म का जो पाप या पुण्य होता है वो, जिसे हम भाग्य कहते हैं या प्रारब्ध कहते हैं, वह किसी व्यक्ति के जीवन में कैसे खेल खेलता है, कैसी लीला रचता है, वो भी हम समझ लेंगे। अब दो समान रूप से बुद्धिमान जीव थे, वो समान स्तर की ही पढ़ाई करने वाले थे, और उनके परीक्षा का फल घोषित होता है। उसमें का जो एक विद्यार्थी था वो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता है, और दूसरा जो है वो केवल उत्तीर्ण होता है। अब जो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ उसका प्रारब्ध का जो पुण्य था, पुण्य फल था, वो उस समय परिपक्व हो गया था। उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि उसकी जो उत्तर पुस्तिका थी वो अच्छी तरह से जांचने वाले और पर्याप्त अंक देने वाले परीक्षक के पास जाती है, और ये परीक्षा के समय उसका स्वास्थ्य भी ठीक था और वो अच्छे उत्साह से उसने परीक्षा देने के लिए स्थिति थी, ऐसी उसकी व्यक्तिगत स्थिति थी। अब जो दूसरा विद्यार्थी था उसका जो साधारण उत्तीर्ण हुआ उसका एन परीक्षा के समय ही उसको तीव्र शिरोवेदना का कष्ट निर्माण हुआ, यानी उसका सिरदर्द शुरू हो गया, इसलिए परीक्षा में वो एन के न प्रकारेण प्रयत्न पूर्वक ही वो कुछ उत्तर लिख पाया। अब उसकी जो उत्तर पुस्तिका थी वो ऐसे व्यक्ति के पास गया जो अत्यंत कड़ाई से जांचता था और अल्प यानी न्यूनतम ही गुण देता था। अब इस घड़ी में उस विद्यार्थी के प्रारब्ध के पापों के फल परिपक्व होते दिखाई दे रहे हैं। तो अभी हमने जो ये दो विद्यार्थियों का उदाहरण देखा तो दोनों की बौद्धिक क्षमता एक थी, अध्ययन करने की भी क्षमता एक थी और समान अध्ययन भी किया था, परंतु परीक्षा देते समय एक व्यक्ति का पाप फल का उदय हुआ, एक व्यक्ति के पुण्य फल का उदय हुआ, और इसलिए एक व्यक्ति का जो परीक्षा का जो फल आया वो अलग था और दूसरे विद्यार्थी का जो है वो फल अलग आया। इस तरह से प्रारब्ध विद्यार्थियों के जीवन में खेल खेलता है। अब हम दूसरा उदाहरण देखेंगे। अब व्यक्ति के जीवन में चाहे जन्म हो या मृत्यु हो, ऐसे समय में किसी व्यक्ति का पुण्य या पाप कैसे फलद्रूप होता है और वो व्यक्ति के जीवन में कैसे खेल खेलता है, वह भी हम इस उदाहरण से समझ लेंगे। अब दो मित्र थे, वो एक ही विमान से प्रवास करने वाले थे, परंतु प्रवास करने के कुछ घंटे पहले क्या स्थिति हुई, एक मित्र की माँ
अचानक अस्वस्थ हो जाती है और इसलिए आर्थिक नुकसान सहन कर भी वह अपनी यात्रा को निरस कर देता है। अब दूसरा जो मित्र था वो विमान में बैठ जाता है और अपने आगे के प्रवास के लिए चला जाता है, परंतु वो विमान अब दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसमें उसकी मृत्यु हो जाती है। अब दोनों मित्र थे, दोनों विमान प्रवास करने वाले थे, मगर एक मित्र का पुण्य फल उस समय परिपक्व होने को आया तो उसकी माँ को बीमार होने के कारण उसका प्रवास निरस्त हो गया और उसका मृत्यु टल गया और वो बच गया। अब दूसरे व्यक्ति के जीवन का अपमृत्यु योग फल पाप फल परिपक्व हो गया था, उसका वो प्रवास रद्द नहीं हुआ, वो विमान में बैठा और वो मृत्यु को पाया। तो इस तरह से समान स्थिति होने के बावजूद भी पाप का परिपक्वता होना या पुण्य के परिपक्वता होना, ये दो व्यक्ति के जीवन में अलग फल देता है, ऐसे हम इस उदाहरण से सीख सकते हैं। इसलिए व्यक्ति के जीवन में जो भी हो रहा है, जन्म मृत्यु विवाह या ऐसे कुछ जो हमने प्रसंग देखे हैं, वो प्रारब्धवश यानी भाग्य के कारण या दैव के कारण कैसे होते हैं वो हमें समझ के लेना आवश्यक है। जी, आपने अभी सदगुरु डॉक्टर पिंगली जैसे बताया तो ये हमें स्पष्ट हो गया कि ये कुछ बातें जो है, ये जन्म है, मृत्यु है, विवाह है, नौकरी है, तो ये सब बातें प्रारब्ध के अनुसार ही होती है। तो मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि क्या युद्ध के समय जय पराजय भी प्रारब्ध पर ही निर्भर रहता है क्या? कार्तिक जी, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। बहुत बार ऐसा होता है कि इस कारण युद्ध जीता, इसने युद्ध जीता, उसने युद्ध जीता। तो हम प्रत्यक्ष में जो नेपोलियन बोनापार्ट है उसके जीवन के दो उदाहरण का अभ्यास ही करेंगे। और फिर एक ही व्यक्ति है, समान क्षमता है, परंतु एक प्रसंग में प्रारब्ध अनुकूल हुआ तो उसको यश कैसे देता है और दूसरे प्रसंग में प्रारब्ध जब प्रतिकूल होता है तो वही व्यक्ति अपयश कैसे पाता है, यह हम भाग्य की लीला समझ लेंगे। नेपोलियन एक बार एक युद्ध में जा रहा था और युद्ध में चारों ओर से गोलीबारी हो रही थी, इसलिए नेपोलियन के सैनिकों ने उसे एक सलाह दिया था कि आप उस क्षेत्र में ना जाइए। परंतु नेपोलियन ने क्या किया, सैनिकों का परामर्श नहीं माना और उसने सैनिकों को दृढ़तापूर्वक कहा कि नेपोलियन का जन्म गोलीबारी में मरने के लिए नहीं हुआ है, और ऐसा बताकर वह उस स्थान पर गया। भाग्य अनुकूल था, पुण्य अनुकूल था, उसे कुछ नहीं हुआ, वो सकुशल लौटा और युद्ध में विजय भी हुआ था। अब इस विजय का मुख्य कारण क्या था, तो उसका प्रारब्ध, उसका पुण्य कर्म जो उस समय फलित होने वाला था उसके कारण उसे उस समय यश मिला था। अब उसके जीवन में एक दूसरा ऐसा प्रसंग आया, नेपोलियन को रशिया पे यानी मास्को पर आक्रमण करना था। अब एक राजा होने के कारण, युद्ध की पूर्व स्थिति का अध्ययन करने के कारण, मास्को में हिमपात कब होता है, कब नहीं होता है, इस संबंध की विगत अनेक वर्षों की घटनाओं का, तथ्यों का उसने गहराई से अध्ययन किया और उसने ऐसा एक काल निश्चित किया जिस काल में हिमपात होता नहीं या होने की संभावना होती नहीं होती है, और उस समय उसने आक्रमण करने का निश्चय किया और प्रत्यक्ष में उस काल में उसने आक्रमण भी किया। परंतु इस समय क्या हुआ, इतना अध्ययन करने के बाद भी हिमपात न होने की 100% संभावना मानकर चलने के बाद भी उसी समय भारी हिमपात हुआ और उस युद्ध में नेपोलियन पराभूत हुआ, उसको वहां से पराजय प्राप्त हुआ। अब इसका क्या कारण है, तो इस पराभव का भी कारण नेपोलियन का या उस राष्ट्र का समष्टि प्रारब्ध ही था, उसका व्यक्तिगत और समष्टि दोनों प्रारब्ध थे, उसके और उस राष्ट्र के जो पाप कर्म थे उसके फलित होने का उस समय आया था और इसलिए उसको पराभव करना था। अगर यश या अपयश यह व्यक्ति की क्षमता कौशल्य या उसकी साधन सुविधा के अनुकूल है या व्यक्तिनिष्ठ या प्रकृतिनिष्ठ है, तो दोनों समय नेपोलियन ही था, उसका ही सैन्य था, उसकी साधन सामग्री थी,
एक तो दोनों समय उसको यश मिलना चाहिए था या दोनों समय उसको अपयश मिलना था, परंतु ये व्यक्तिनिष्ठ, उसकी क्षमता निष्ठ या साधन सामग्री निष्ठ नहीं होता है तो व्यक्ति के या राष्ट्र के प्रारब्धवश होता है। और इसलिए जब अनुकूल था तो उसका विजय हुआ और जब प्रतिकूल हुआ तो वो परास्त हुआ। तो हमें ये जानने की आवश्यकता है, चाहे व्यक्ति हो चाहे सामान्य हो राजा हो, वो कठपुतली के जैसे अपने प्रारब्ध के भोगों को भोगता है और इसलिए मनुष्य को बहुत अहंकारी नहीं होना चाहिए। उसने अपने जीवन में साधना करनी चाहिए, गुरु कृपा प्राप्त करनी चाहिए और इस कठिन समय पर मात करने का प्रयास करना चाहिए। संक्षेप में क्या है तो प्रत्येक की प्रकृति उसके प्रारब्ध के अनुसार निर्धारित होना यह स्वाभाविक है, यही दैव है, यही भाग्य है। यहां ऐसे क्यों हुआ, वहां वैसे क्यों नहीं हुआ, ऐसे प्रश्न उपस्थित करना या ऐसे प्रश्नों के बुद्धि के स्तर पर उत्तर हम अपेक्षित करते हैं तो इन सब प्रश्नों के उत्तर बुद्धि के परे होते हैं, आध्यात्मिक परिपेक्ष में होते हैं। यह जानकर हमें गुरु के, धर्म के, शास्त्रों के शरण में जाना चाहिए, यही सीख हमको इस उदाहरणों से लेनी चाहिए। जी, मेरा अगला प्रश्न आपसे यही था कि हमारे हमसे इच्छा ना होती हुए भी कुछ गलत कर्म होते हैं, कुछ पाप कर्म होते हैं, तो क्या ये प्रारब्ध के कारण ही होता है? तो इसके बारे में भी आप थोड़ा हमें मार्गदर्शन करें। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँ कि चाहे अच्छे हो या बुरे हो, कर्म व्यक्ति के प्रारब्ध के ही कारण होते हैं। परंतु यहाँ एक रहस्य हमें ध्यान में रखना है कि जो व्यक्ति साधना करता है, गुरु आज्ञा पालन करता है, धर्म या शास्त्र का महत्व जानकर धर्म या शास्त्र के मार्ग पर चलने का प्रयास करता है, तो कहने का मतलब जो क्रियामाण कर्म योग्य उचित दिशा में करने का प्रयास करता है तो उसके जीवन में यह घटना थोड़ा सा असंभव होता है। परंतु सामान्यतः जब प्रारब्ध कर्म फल देने की स्थिति में आते हैं या फलीभूत होने के समय में आते हैं, उस समय हमारी जो वासनाएं होती है, हमारे विचार या भावना या हमारे आचार यानी प्रत्यक्ष हमारी कृति हमें प्रारब्ध के कर्मों की दिशा में ही लेके जाते हैं, यह सत्य है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे कि किसी व्यक्ति के भाग्यवश या प्रारब्ध में चोर रूप में उसे संबोधित करना या चोर रूप में उसकी समाज में बदनामी होना अगर नियति तय करती है तो वह व्यक्ति सामान्यतः चोरी करना नहीं चाहिए, यह उसको पता रहता है और चोरी नहीं करने इस निर्णय पर वो प्रयास करता है, मगर वो दृढ़ नहीं रह पाता है और कुबुद्धि होने के कारण वह चोरी करता है और जब पकड़ा जाता है तो समाज में वो चोर करके बदनाम होता है, चोर करके उसे मान्यता मिलती है। तो इस तरह से प्रारब्धवश उसकी बुद्धि उसको वही कर्म करवाती है। अगर वर्तमान स्थिति में सिगरेट पीने की लत हो या शराब पीने की लत हो या व्यसन के संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो घर में हमारे माता पिता संस्कार देते हैं कि सिगरेट दारू पीना बुरी है, हमें टीवी पर ऐड आती है उसमें ये सिखाया जाता है, स्कूल में सिखाया जाता है कि व्यसन या नशा करना बुरी बात है। फिर भी जब हम मित्रों के साथ जाते हैं और मित्रों को पीते हुए देखते हैं और कोई मित्र हमें आग्रह करता है तो उस समय हमारी बुद्धि हमें दगा दे देती है और बुद्धि क्या करती है, एक बार सिगरेट पीकर ही देखो ऐसे मन में विचार लाती है, एक बार शराब पी के देखो और वो उस लत में चले जाती है। तो इस तरह से वासनाओं में बुद्धि हमारी प्रारब्धवश बदल जाती है और हमें इस तरह के व्यसन लगते हैं। तो यह भी प्रारब्धवश या आध्यात्मिक कारणों से ही होता है। परंतु किसी के मन में यह प्रश्न आ सकता है कि क्या साधना प्रारब्धवश हो सकती है, क्या समाधि अवस्था की प्राप्ति जो है या वो अनुभूति है वो प्रारब्धवश हो सकती है? तो एक थोर संत जो है गुरुदेव डॉक्टर काटे स्वामी जी, वे बताते हैं चाहे समाधि की अनुभूति हो या परब्रह्म का साक्षात्कार हुआ हो, उसके लिए निमित्त उस व्यक्ति के पूर्वजन्म का कर्म यानी प्रारब्ध ही होता है और वह प्रारब्ध ही
उसे विकारों की तुलना में उसे साधना या इस समाधि मार्ग पर आकृष्ट करता है। तो हमारे जीवन की साधना पथ पर आना, समाधि अवस्था प्राप्त करना, ये भी हमारे पूर्व कर्मों का ही फल है, ये हमें समझने की आवश्यकता है। परंतु बहुत से लोगों को लगता है कि क्या व्यक्ति का भाग्य या प्रारब्ध किसी व्यक्ति के इच्छा के विरुद्ध बलपूर्वक उससे विपरीत कर्म करवा सकता है? यानी दूसरे अर्थ में, क्या व्यक्ति अपने भाग्य का गुलाम होता है? तो अर्जुन ने ऐसे ही प्रश्न भगवान श्री कृष्ण से किया था। वो पूछता है, हे श्री कृष्ण, अपनी इच्छा न होते हुए भी पुरुष बलपूर्वक नियोजित किए गए समान किसी की प्रेरणा से क्या पापाचरण करता है? और उसके उत्तर देने में भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं कि प्रारब्ध के कारण ही मनुष्य को इस जन्म की वासनाएं प्राप्त होती है, और उन वासनाओं की अनुसार ही उसकी क्रिया यानी कर्म होते हैं। और इसलिए इस जन्म के संस्कार थोड़े अलग क्यों न हो, प्रारब्ध के कारण ही व्यक्ति अपने स्वेच्छा के विरुद्ध भी जाकर पापाचरण के कृत्य कर सकता है, यह शास्त्र प्रत्यक्ष भगवान हमें बताते हैं। तो सारांश इसमें से हमें बोध क्या लेना है, इसमें हमें सीख क्या लेना है, वह समझ लेंगे। हमें यही सीखना है कि हमारे जन्मों की अनेक बातें हैं वो पूर्व निर्धारित होती है। नियति ही प्रत्यक्ष में हमारे कर्मों की कर्ता या कर्मनहार होती है। हमारे अहंकार एवं ममता, ये नियति के दो निष्ठावान सहचर है, सेवक है, जो हमें ये इच्छा के विरुद्ध भी जाकर प्रारब्धवश कर्म करने के लिए हमें उद्युक्त करते हैं। उससे नियति, अहंकार एवं ममता के माध्यम से नियति जो चाहे सो हमसे करवा लेती है। हमारे कर्मों के डोर वो इन्हीं दो माध्यमों से अपने हाथों में रखती है। जैसे वह नचाता है मनुष्य, वैसे नाचता है मनुष्य। स्वयं को नियति के सूत्र मानना अस्वीकार तो करता है, और अहंकारवश मैं कुछ करूंगा, मैं कुछ कर सकता हूं, यह विचार को लेकर वो प्रयास करते रहता है। और मनुष्य सब कुछ अपने ही मन से प्रयास करना भी चाहता है। एक तरह से वह नियति को ललकारने का प्रयास करता है, क्योंकि उसका अहम यह उसके प्रतिष्ठा का प्रश्न बन जाता है। जीवन के प्रत्येक मोड़ पर नियति जो है मनुष्य को अपनी शक्ति का, अपने अस्तित्व का भान करा देती है, और मनुष्य पर नियंत्रण करके उसको जीत लेती है, और बार बार बताती है कि तू मेरे हाथों कठपुतली है, तू मेरे बंधनों में बंधा हुआ है, मैं जैसे नचाऊंगी वैसे तुझे नाचना है। ये नियति बार बार व्यक्ति को अनुभव कराते रहती है। तो इतना बड़ी सीख हमें इससे लेकर शरण जाकर साधना के मार्ग पर चलना ही उत्तम उपाय है, यह हमें जान लेना चाहिए। जी सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपके मार्गदर्शन से हमें यही ध्यान में आ रहा है कि मनुष्य के जन्म में जो कुछ हो रहा है वो उसके नियति के कारण ही हो रहा है, और वैसे ही कर्म मनुष्य भी करता है। मेरा अगला प्रश्न यही है, क्या व्यक्ति की प्रकृति भी प्रारब्ध के अधीन ही होती है? मूलतः पूर्व संस्कारों के संस्कारानुरूप ही मनुष्य की वृत्ति निर्माण होती है। पूर्व कर्म अगर सात्विक हो तो मनुष्य की वृत्ति सात्विक होती है, या वृत्ति तमोगुणी हो तो इस जन्म में वो मनुष्य तमस प्रधान प्रकृति से निर्माण होता है। अब जन्म लेने वाले व्यक्ति की जो मनोवृत्ति है उसमें जो सत्व रज तम आदि त्रिगुणों के जो अनुपात है वो जन्मता ही निश्चित हो जाते हैं। जैसे पूर्व जन्म में जिसने अधिक तमोगुणी कर्म किए हैं, उस व्यक्ति में तमोगुणी मात्रा अगर अधिक हो तो इस जन्म में उसकी मनोवृत्ति भी तमोगुणी होती है। तमोगुणी व्यक्ति मूलतः अहंकारी भी होता है, और व्यक्ति कैसे भी हो ईश्वर ने उसे इस जन्म में
प्रेम भक्ति जागने के लिए सदैव अनेक प्रसंग उसके जीवन में वो निर्माण करने का प्रयास करता है। परंतु तामसिक व्यक्ति अपने अहंकार के कारण ईश्वर से जो बार बार संधि दे रहा है प्रेम दया भक्ति निर्माण करने के लिए, उसके तरफ वो अनदेखा करता है। उसे इस बात का ही विस्मरण हो जाता है कि उसके जीवन में घड़ने वाले जो हर प्रसंग है उसमें से ईश्वर उसे सिखाना चाहता है और उसे उसका मार्ग मोड़ना चाहता है, तमोगुण से उसको सत्वगुण की तरफ मोड़ना चाहता है, वही वो भूल जाता है। और अहंकार निर्मित उसकी ये जो बहिर्मुखता है, बहिर्मुखता यानी माया के प्रति उसकी जो आसक्ता है या ईश्वर से विरोधी जो विषय है उसके तरफ जो उसकी आसक्ति है, इसके कारण वो अन्यों के कुछ हितों का तनिक भी विचार भी नहीं कर पाता है। और इसलिए मनुष्य की ये जो तामसिक प्रवृत्ति है और मनुष्य के ये जो तामसिक कर्म है, वही उसके जीवन की सबसे बड़ी बाधा बन जाते हैं और वही उसको जीवन में कष्ट या दुख के लिए निमित्त बनते हैं। यही हमें समझने की आवश्यकता है जी। सो गुरु डॉक्टर पिंगला जी, कुछ व्यक्ति ऐसे बताते हैं कि प्रारब्धवाद जो होता है वो हमें निष्क्रिय बनाता है, तो क्या यह सत्य है? कुछ बुद्धिवादियों का ये जरूर मानना है कि केवल दैववाद पर अगर कोई निर्भर होता है तो उसके भय के कारण मनुष्य निष्क्रिय हो सकता है, किंतु यह असत्य है। प्रारब्धवाद मनुष्य को वास्तविकता में एक वीर एवं संत बनाने के लिए पात्र बना सकता है, क्योंकि प्रारब्ध के कारण आने वाले जो दुख है, यह दुख ही कुछ व्यक्तियों को अध्यात्म की तरफ या ईश्वर प्राप्ति की तरफ यानी आनंद प्राप्ति की तरफ मोड़ते हैं। साधना के कारण जब व्यक्ति में ईश्वरीय गुण आना शुरू हो जाते हैं और उसके अंदर जब धीरे धीरे ईश्वर प्राप्ति की तड़प बढ़ती है, उसका प्रवास ईश्वर की तरफ बढ़ना लगता है, तो यही प्रारब्ध उसके लिए सहायभूत भी ठहरते हैं। मनुष्य को दुख सहने का जो धैर्य है ये प्रारब्धवाद से ही मिलता है, क्योंकि एक तरफ मनुष्य के जीवन में दुख आता है तो साधना करने से ही दुखों पर मात होती है, वह जानकर वो साधना करने के लिए प्रवृत्त होता है। पुनर्जन्म तथा कर्मफल के सिद्धांत के कारण हिंदू धर्म को भाग्यवादियों का धर्म मान लिया गया है, और इस धारणा के चलते यह भी मान लिया है कि अगर सब कुछ अगर पूर्व जन्म से ही तय है तो फिर इस जन्म में हमें कर्म ही नहीं करना चाहिए। ऐसी एक अयोग्य धारणा, एक गलत प्रचलन समाज में चल रहा है, क्योंकि अधिकांश लोगों को कर्म के सिद्धांत ही पूर्णतः समझ में नहीं आए। अभी तो मैं ऐसे कहना चाहूंगा कि धर्म का ज्ञान नहीं, धर्म शिक्षा नहीं है, उसके कारण यह एक अपसमझ समाज में प्रचलित हुआ है। परंतु सनातन धर्म के धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र ने यह जो वास्तविकता हमें बताई है कि कर्म के बिना मनुष्य रह ही नहीं सकता है और कर्म के बिना मनुष्य को गति ही नहीं है, यह अगर समझ में आया तो मनुष्य निष्क्रिय होने की संभावना ही नहीं है। और कर्म से ही भाग्य का जन्म होता है और कर्म से ही भाग्य पर मात होती है, यह भी हमें चाहे वेद हो, उपनिषद हो या गीता हो, ये तीनों ने कर्म को ही कर्तव्य मानते हुए हमें यह महत्व बार बार बताया है। और यह इस जीवन में कर्म करना ही हमारा पुरुषार्थ है। हमारे जो प्रारब्ध की भोग है, भोगों पर मात करने के लिए जो हम कर्म करते हैं उसे ही पुरुषार्थ कहते हैं, और पुरुषार्थ के बिना जीवन ही नहीं होता है। श्रेष्ठ तथा निरंतर कर्म करने से यानी धर्म और शास्त्र को सम्मत कर्म करने से ही मनुष्य के जीवन की सही दिशा में उसकी सक्रियता रहती है और उसे ही पुरुषार्थ प्राप्त होता है। वेदों में कहा गया है कि समय तुमको बदल ले, इससे पूर्व एक तो तुम स्वयं को बदलो अथवा समय को बदलो। और यही हमारे कर्म का मूल सिद्धांत है। अगर प्रारब्ध अगर हमें समय अगर हमें बदलना चाहता है, उसके पहले अगर हम नहीं बदले या समय को नहीं बदला, तो हमें
दूसरे के प्रकृति के अनुसार ही जीवन जीना पड़ेगा, हमें प्रारब्ध या नियति के अनुसार ही जीवन जीना पड़ेगा। और इसलिए हम भाग्य और पुरुषार्थ परस्पर कैसे सहायक होते हैं, इसके संदर्भ में हम एक कथा के माध्यम से जान लेंगे। अगर भाग्य अनुकूल हो तो भी पुरुषार्थ करना कितना आवश्यक है, यह भी हम इस उदाहरण से जान लेंगे। एक बार दो राज्यों के बीच में युद्ध की तैयारियां चल रही थी और वो दोनों शासक थे, वो एक ही प्रसिद्ध संत के दोनों भक्त थे और वो आमने सामने लड़ने वाले थे और वो दोनों अपने अपने विजय हेतु एक ही संत के पास अलग अलग समय पर आशीर्वाद लेने पहुंच गए। पहले शासक को आशीर्वाद देते हुए संत ने बोला कि आपका विजय तो निश्चित है, और उन्हें उन्होंने आशीर्वाद भी दिया। जब दूसरे शासक उस संत के पास आशीर्वाद मांगने गए तो संतों ने उनको संकेत करके बताया कि मुझे तो आपका विजय संदिग्ध लगता है। अब जब दूसरे शासक ने संत की यह बात सुनी तो उनको नमस्कार करके वो वहां से गया, परंतु उसने अपनी हार नहीं मानी। उसने अपने सेनापति को बुलाया और उसे कहा कि हमें बहुत मेहनत करनी होगी, हमें पुरुषार्थ पर विश्वास करना होगा और प्रयास बढ़ाने होंगे, और इसलिए हमें जोर शोर से युद्ध की तैयारी करनी होगी। दिन रात एक करके हमें युद्ध की कुछ बारकियां नीतियां को सीखना होगा और अपनी जान तक झोंक कर इस युद्ध में हमें जीतने के लिए, प्राणार्पण करने के लिए हमें तैयार रहना होगा। उसने तुरंत अपनी सेना का युद्ध अभ्यास करवाया, युद्ध अभ्यास शुरू किया, सैनिकों को दिन रात कठोर परिश्रम करवाने के लिए बताया और युद्ध की तैयारियां पूर्ण करवा ली। परंतु जो पहला शासक था, जिसको आशीर्वाद मिला था, जिसका विजय निश्चित था, उसको प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था, वो बहुत आनंदित था। उसने अपने युद्ध को निश्चित माना और पुरुषार्थ करने के बजाय अपना सारा ध्यान आमोद प्रमोद यानी नृत्य संगीत या कर्मणुक में लगा दिया। उनके सैनिक भी रंगीलियां मनाने लगे, ना युद्ध का अभ्यास हुआ, ना युद्ध का अध्ययन हुआ, ना कठोर परिश्रम हुए। तो एक तरह से अनुकूल भाग्य राजा का था, परंतु उसने उसके लिए पुरुषार्थ करने के लिए प्रयास नहीं किया। तो जब व्यक्ति पुरुषार्थ नहीं करता तो उसका भाग्य भी कैसे साथ छोड़ता है, उसका उदाहरण हम अभी आगे देखेंगे। एक निश्चित दिन युद्ध का आरंभ हो गया, जिस शासक को विजय का आशीर्वाद मिला था उसे कोई चिंता नहीं थी, तो उसके सैनिकों का युद्ध का अभ्यास भी नहीं होता, मगर युद्ध शुरू हो गया। दूसरी ओर ऐसा राजा था कि जिसकी विजय संदिग्ध थी, यानी पराभव का ही उसका संभावना थी, परंतु उसने पुरुषार्थ किया, सैनिकों का अभ्यास करवा लिया, कठोर परिश्रम करवा लिए, युद्ध की बारीकियां जान ली थी। और जब ये युद्ध हुआ तो इसमें जो पहला राजा था वो बौखाला, उसका पूर्णतः पराजय हो गया, उसको उस युद्ध में भागना पड़ा। वो बौखला हुआ राजा वो संत के पास आया और उसने संत को पूछा कि स्वामी, हे महाराज, अभी आपके वाणी में, आशीर्वाद में कोई दम नहीं रहा, अभी आप गलत भविष्यवाणियां भी करने लग गए। परंतु संत तो संत थे, ऐसे टिक्का टिप्पणी से वो हतोत्साहित नहीं हुए, वे मुस्कुराते हुए बोले, पुत्र, इतना बौखलाने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारा विजय निश्चित था, परंतु विजय निश्चित होने के उपरांत भी उसके लिए मेहनत और जो पुरुषार्थ जरूरी था वो आपने नहीं किया। भाग्य हमेशा ही जो कर्मरत है, जो पुरुषार्थ करने के लिए प्रयास करता है, ऐसे ही मनुष्य को साथ देता है, और उसने दिया भी, और इसलिए जिसका पराभव होना अपेक्षित था, वो जो राजा का विजय संदिग्ध था, उसके कठोर परिश्रम के कारण, उसके पुरुषार्थ के कारण उसको
विजय मिला है और आपको पराजय मिली है। अब संत की यह बात सुनकर वो जो पराजित राजा था वो अत्यंत लज्जित हुआ और नीचे मुंडी डालकर उसने संतों के चरणों में पड़कर क्षमा मांगी और वहां से चला गया। तो ये कहानी बताने का निमित्त इतना ही है कि भाग्य अगर अनुकूल है, ऐसे हमको किसी माध्यम से पता भी चलता है, तो भी अनुकूल भाग्य को फलीभूत रखने हेतु हमें जो योग्य कर्म करना है, योग्य कठोर परिश्रम करना है, हमें जो पुरुषार्थ करना है वो करते रहना आवश्यक है। यही संदेश कर्मफल न्याय या कर्मफल सिद्धांत हमें देता है। प्रारब्धवश रहने से, प्रारब्धवादी बनने से कर्म से निवृत्त होना या निष्क्रिय होना ऐसे बिल्कुल संभावना नहीं, क्योंकि धर्म ने यह स्पष्ट किया है कि प्रारब्ध को भी फलीभूत होने के लिए कठोर परिश्रम तथा पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है। तो ये जो अपसमझ समाज में है वो अत्यंत निरर्थक है और धर्म का ये जो बातें और मार्ग है, इस मार्ग पे चलने से ही हमें भाग्य और पुरुषार्थ प्राप्ति होनी सहज संभव है। जी सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने ये जो उदाहरण हमारे सामने रखे हैं, जो मार्गदर्शन हमें किया है, इससे तो ये हमें स्पष्ट हो गया कि प्रारब्धवाद हमें निष्क्रिय नहीं बनाता है और हर एक जो बात होती है तो उसके लिए हमें नियति ही वो तय करती है और हमें उसके अनुसार हमें पुरुषार्थ करने ही होते हैं। तो यही इसका आज के इस धर्म संवाद का सार था। मैं सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आज आप ही के कारण हमें अनेक प्रश्नों के उत्तर हमें आज यहाँ पर मिले हैं, इसलिए हम सभी आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञ हैं। इसी के साथ आज का इस धर्म संवाद को हम यहीं पर रोकते हैं, समाप्त करते हैं। मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा, यह सुनते समय आपके मन में यदि कोई प्रश्न हो या शंका हो तो आप अवश्य इसे उपस्थित कर सकते हैं। अपने चैट बॉक्स पर अपने प्रश्न आप अवश्य डालें, हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का अवश्य पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। यदि आपके कोई सुझाव हो तो आप सुझाव भी अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसी के साथ आज के धर्म संवाद के इस कार्यक्रम को हम यहीं पर विराम देते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से आज का यह धर्म संवाद यहीं पर संपन्न हुआ, ऐसे मैं घोषित करता हूँ। नमस्कार। कोई दिन तकिया, कोई दिन गाड़ी, कोई दिन तकिया, कोई दिन गाड़ी, कोई दिन तकिया, कोई दिन गाड़ी, कोई दिन तकिया, एक दिन मिट्टी में मिलना सही, वो लिखने वाला जूता नहीं।